हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं मिल्क पाउडर से बना हुआ चंद्रकला की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है। तो चलिए हम फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। चंद्रकला बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने 300 ग्राम मैदा लिया है। आप मैदा को छान लीजिए, क्योंकि मैदे में कुछ भी अनप्योरिटी रहता है वो निकल जाता है। मैदा में हम 100 ग्राम घी डालेंगे। आप तेल डालिए या घी डालिए, मेजर परफेक्ट होना चाहिए, तभी जाके डो अच्छा तैयार होता है। तो हम सबसे पहले मोइन को अच्छे से मीसेंगे मैदा के साथ। इसे हथेली से मीसते हुए इसे मिक्स करना है। आप देख सकते हैं हमने मैदे को मोइन में अच्छे से मीसा है, तो ये ऐसा मिक्स हुआ है। और इसकी पहचान है, जब हम इसे मुट्ठी से बांधे तो ये अच्छे से वेंड हो जाता है। इसकी गुजिया या चंद्रकला बहुत ही क्रिस्पी होता है। तो फर्स्ट टिप्स है मोइन डालने का, इसकी मेजर से ही होनी चाहिए। दूसरा टिप्स है, हम पानी डालेंगे तो बस चुल्लू में लेके थोड़ा थोड़ा डालेंगे, क्योंकि हमें ना ज्यादा सॉफ्ट करना है और ना ही ज्यादा हार्ड। तो इस स्टेज पे हमें पानी डालना बहुत ध्यान में रख के करना है। जब भी हम पानी डालें, थोड़ा थोड़ा डालें। ज्यादा ढीला हो गया तो भी अपनी चंद्रकला अच्छा नहीं बनेगा, ज्यादा हार्ड हुआ तो भी नहीं बन सकता है। तो हम ध्यान में रखते हुए आटा गूंदेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने डो कितना अच्छा तैयार किया है। बस पूरी से थोड़ा सा हार्ड है, ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज्यादा हार्ड भी नहीं है। चलिए हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ के दूसरा स्टेप शुरू करते हैं, यानी कि इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। गैस पे हम एक कढ़ाई रखेंगे, गैस को ऑन कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी या तेल। तेल को हम गर्म होने देंगे और इसमें हम डालेंगे 1/2 कटोरी रवा। रवा को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। स्टार्टिंग में हम इसे तेज फ्लेम पे भूनेंगे और गर्म होने के बाद हम इसे स्लो फ्लेम पे ब्राउन होने तक भूनेंगे। कंटिन्यू चलाते रहना है हमें, तले में बिल्कुल नहीं लगने देना है। हमने रवा को ब्राउन होने तक भून लिया है, इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। इस स्टेज पे हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे हमने मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिया है, काजू, बादाम, किशमिश, सभी को हम इसमें डाल देंगे और रवे के साथ हम इसे भी भूनेंगे। रवे के साथ हमने ड्राई फ्रूट्स को मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक भून लिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपने ड्राई फ्रूट्स फूल गए हैं और उसमें से तेल भी छोड़ने लगा है। इस स्टेज पे हम डालेंगे कोकोनट पाउडर, यानी कि इसे देसी कोटेड कोकोनट कहते हैं। तो इसे हम डाल देंगे और इसे भी 1 मिनट तक ड्राई फ्रूट्स के साथ रोस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हमने कोकोनट को भी 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो यही हमें बताना था कि आज जब हम चंद्रकला बनाएंगे वो मिल्क पाउडर से बनाएंगे, बिना खोया का। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं मिल्क पाउडर डालने के बाद अपनी फिलिंग की कलर कितनी बढ़िया हो गई है। तो हमें मिल्क पाउडर भी 1/2 मिनट के लिए कोकोनट रवा के साथ भून लेना है। ये बहुत ही मजेदार रेसिपी तैयार होता है। मिल्क पाउडर को हमने भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। तो शक्कर आप अपने अंदाज से डालिए, आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो ज्यादा डालिए। हमने तो इक्वल क्वांटिटी में सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, रवा, कोकोनट पाउडर, मिल्क पाउडर, ड्राई फ्रूट्स और शक्कर। हमने सभी इंग्रेडिएंट्स इक्वल लिया है। सभी को हम अच्छे से मिक्स करते हुए फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। तो ये अपनी फिलिंग तैयार हो गई। अब चलिए हम तीसरा स्टेप शुरू करते हैं। तो गैस पे हम एक बड़ा सा बॉल लिए हैं और उसमें हम डाल रहे हैं शक्कर। तो यहाँ पे हम 250 ग्राम शक्कर डाल रहे हैं और इसी बॉल से हम 1/4 कटोरी पानी डाल दे रहे हैं।
गैस को हम ऑन करके और एक तीखी सी चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी को हम चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे तो एक तीखी सी चाशनी तैयार हो जाती है। ध्यान रहे हमें तले में नहीं लगने देना है। चाशनी को हमने 3 मिनट तक पका लिया है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे 3 से 4 कूटी हुई इलायची। ये छोटी वाली इलायची है जिसे हमने दरदरा कूट लिया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अपने चाशनी में। इलायची डालने के बाद हम 1 मिनट और उबाल लेंगे, फिर आपको हम चाशनी दिखा दे रहे हैं। इलायची डालने के बाद हमने 1 मिनट तक चाशनी को उबाल लिया है तो ये अपनी चाशनी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं हम चाशनी को गिरा रहे हैं तो बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है। बस हमें ऐसी ही चाशनी चाहिए, कोई भी ताड़ वाली चाशनी हमें नहीं करनी है। तो चलिए हम फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और अब फटाफट हम चंद्रकला बनाना शुरू करते हैं। चलिए हम अपना डो चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी डो अच्छे से फूल चुकी है। अब हमें इसे छोटे छोटे बॉल्स में तोड़ लेना है। तो हम ऐसे लंबा सा रोल करेंगे और एक साइज के हम बॉल्स तोड़ लेंगे। हमने सभी बॉल्स बना लिए हैं। अब हम एक रोटी बनाने वाला चकला लेंगे और इसमें से एक एक बॉल्स रखेंगे। बॉल्स को हमें पतली सी पूरी बनानी है, पतली ज्यादा पतली नहीं करनी है, हमें मीडियम पतली होनी चाहिए। तो आपको दिखा देंगे हम लास्ट में। तो आप देख सकते हैं हमने ना ज्यादा मोटी पूरी बनाई है ना ही ज्यादा पतली, इक्वल हमने पूरी तैयार किया है। तो ऐसे ही हम दूसरी पूरी भी बेल लेंगे। एक एक लोई लेना है और पूरियों को ऐसे चकले पे घुमाते हुए बेल लेना है। तो हमने यहाँ पे दूसरी पूरी भी बेल ली है। अब हम क्या करेंगे, पूरी के ऊपर थोड़ा सा स्टफिंग रखेंगे। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच स्टफिंग रखेंगे, ज्यादा नहीं डालना है नहीं तो अपनी चंद्रकला जो है वो फटने लगती है। तो हम एक अंदाज से उसमें स्टफिंग डालेंगे। हम चारों तरफ से ऐसे पानी लगा देंगे। पानी लगाने का रीजन है कि अपनी ऊपर वाली जो पूरी की परत हम रखेंगे अच्छे से चिपक जाएगी। तो हमें हल्के हाथों से पानी लगाना है और दूसरी वाली पूरी से हम इसे ऐसे कवर कर लेंगे। हल्का हल्का हम ऐसे किनारे को दबा देंगे तो ये चिपक जाएगा। अब चंद्रकला हम कैसे बनाते हैं वो आपको दिखा देते हैं। तो हमें इसे हथेली पे रखना है और चुटकी की मदद से इसे प्रेस करते हुए ऐसे मोड़ना है, प्रेस करना है, मोड़ देना है, प्रेस करते हुए मोड़ देना है। तो हमें ऐसे ही प्रेस करके फोल्ड करते हुए अपनी चंद्रकला तैयार करनी है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी चंद्रकला तैयार हुई है। तो हम सेम प्रोसेस से गुजिया भी बनाते हैं। गुजिया में भी कई तरह का होता है, मैं अभी आपको बता ही देती हूँ। गुजिया के लिए हमें एक ही पूरी लेना है और पूरी के हमें आधे साइड में स्टफिंग रखना है। पूरी को हम ऐसे मोड़ देंगे सिंपल और ऐसे हाथ की मदद से दबा लेंगे। अब हम सेम प्रोसेस से इसे भी गूंदेंगे, बस चुटकी से प्रेस करना है और ऐसे फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया शेप तैयार हो रही है। तो ऐसे ही हम गुजिया को मोड़ लेंगे और इसको चंद्रकला का शेप कैसे देते हैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो हम इसे धीरे धीरे ऐसे लाके और दोनों मुंह को ज्वाइंट करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये अपनी न्यू वाली चंद्रकला तैयार हुई है। तो आपको जैसे पसंद है वैसे बनाइए, हम तो चले दोनों तरीके से बनाने। तो आप देख सकते हैं हमने अलग अलग तरीके से गुजिया चंद्रकला बना के तैयार कर लिया है। जब तक हमने गुजिया तैयार किया, चंद्रकला तैयार किया, तब तक हम गैस पे तेल गरम कर लिए हैं। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं अपनी तेल गरम हो चुकी है। हमें तेल को ज्यादा गर्म नहीं करना है और ज्यादा ठंडा भी नहीं रखना है, बिल्कुल मीडियम तेल गर्म होना चाहिए। अब हम उसमें एक एक चंद्रकला धीरे धीरे छोड़ देंगे। एक हमने चंद्रकला डाला, एक गुजिया डाला और ये दूसरा चंद्रकला डाला। तो एक बार में जितना आए आप डालिए। एक साइड से हमें इसे स्लो फ्लेम पे 2 मिनट तक सिकने देना है, फिर हम आपको फ्लिप करके दिखाएंगे। आप
देख सकते हैं अपनी चंद्रकला की कलर कितनी बढ़िया हो गई है, एकदम क्रिस्पी और कड़ाड़ी कलर भी देख लीजिए। अब हम इसे जर्नी से ऐसे टेढ़ा करते हुए एक्स्ट्रा तेल गिरा देंगे और चाशनी की तरफ ले चलेंगे। जो हमने चाशनी बना के रखा था वो ठंडी हो चुकी है, इसमें हम चंद्रकला को छोड़ देंगे और एक दूसरी चम्मच की मदद से इसे अच्छे से डुबा लेंगे। इसे हम रस में डुबा के अभी हम इसे 1 से 2 मिनट तक डुबा हुआ ही छोड़ देंगे, तब तक दूसरा बेस हम फ्राई कर लेते हैं। तो अपनी तेल गर्म ही है, हम धीरे से इसमें एक एक चंद्रकला को छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी चंद्रकला फ्राई हो रही है। साइड में हम छोटे छोटे गुजिया चंद्रकला को छोड़ेंगे और सेम प्रोसेस से 2 मिनट बाद उलट उलट के 10 से 12 मिनट तक सेक लेंगे। अपनी चंद्रकला चाशनी में अच्छे से डूब चुकी है, यानी कि अब हम इसे निकाल लेंगे। तो एक चम्मच की मदद से टेढ़ा करते हुए एक्स्ट्रा चाशनी गिरा देंगे और एक प्लेट में इसे ऐसे निकाल लेंगे। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया चंद्रकला बनाना कितना आसान है, खाने में तो ये बहुत टेस्टी लगता है। तो इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।